नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे हेयर ट्रांसप्लांट FUE टेक्निक जो होती है उसको डिस्कस करेंगे। जो पेशेंट है 24 ईयर ओल्ड मेल है, जिसमें बायलेटरल फ्रंटल रिसेशन है, मींस फ्रंट के जो सामने के दोनों साइड एरिया हैं वो उसमें बाल कम है और पीछे थोड़ा डेंसिटी कम हुआ है। जो फर्स्ट स्टेप रहती है जिसमें हम लोग मार्किंग करते हैं, हेयर लाइन को डिज़ाइन करते हैं। हेयर लाइन जो रहती है जिगजैग इररेगुलर पैटर्न में रहती है ताकि वो नेचुरल विजिबल हो। इसमें हम पेशेंट का फीडबैक लेते हैं और हमारा एडवाइस उसमें देते हैं कि फाइनली क्या हेयर लाइन डिज़ाइन करना है। जो प्रोसीजर रहेगी इसमें हम लोग करीब 3000 ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप रहती है सर्जिकल, इसमें हम लोग जो एरिया है उसे बाल्ड करते हैं, मतलब जो हेयर से उसे शेव करते हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट स्कैल्प है वहाँ से हम लोग फॉलिकल्स निकालने वाले हैं, ग्राफ्ट निकालने वाले हैं, उसको फिर सामने जो एरिया खाली एरिया है वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। जो प्रोसीजर रहेगा लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसमें जो एरिया है सिर्फ सिर वाला हिस्सा, स्किन का हिस्सा वो सुन्न करते हैं, बाकी पेशेंट पूरा होश में रहता है। हमने पीछे वाला हिस्सा डोनर साइट है वहाँ पर कुछ एनेस्थीसिया दे चुके हैं और उसके बाद हम लोग ग्राफ्ट निकाल रहे हैं। एक बार एनेस्थीसिया देने के बाद कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर रहता है। कुछ उसको पेशेंट को नहीं समझ में आता है कि कुछ प्रोसीजर चल रही है। प्रोसीजर के दौरान पेशेंट कंप्लीट होश में रहता है, बीच में ब्रेक भी लेते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, नाश्ता वगैरह भी किया जा सकता है। टोटल ड्यूरेशन इस प्रोसीजर का करीब 7 to 8 hours रहता है, और फिर उसके बाद एक हल्का सा ड्रेसिंग रहता है जो एक दिन तक रहता है, और अगले दिन से पेशेंट लगभग सारी एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने फॉलिकुलर यूनिट्स निकाल रहे हैं, जिसमें जो ग्राफ्ट कहा जाता है इसे 3000 इस तरह की यूनिट हम निकालेंगे। एक यूनिट या एक ग्राफ्ट में एक बाल, दो बाल, तीन बाल या चार हेयर्स तक हो सकते हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कितना निकलेगा, किसी में चार वाला ज़्यादा रहता है, किसी में एक वाला या दो वाला ज़्यादा रहता है। इसे हम चिल्ड कोल्ड सलाइन में रखते हैं और इसे कम से कम समय बाहर रखा जाता है ताकि उसका बाहर रहने का, एनवायरमेंटल का एक्सपोजर का टाइम कम से कम रहे। इसके बाद जो फ्रंट वाला एरिया है वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसे नम किया जाता है, और जो मार्किंग का हमने लिमिट करी है उसमें हम लोग उसे इम्प्लांट करते हैं। ये जो हमने लगाए हैं ग्राफ्ट लगाए हैं, इसमें से हेयर ग्रो करने में या पूरा नॉर्मल ग्रोथ होने में 4 to 5 months का समय भी लगता है, और इस दौरान आपको कोई स्पेशल मेडिसिन या बहुत ज़्यादा केयर करने का ज़रूरत नहीं रहता है। जो मेडिसिन हम लोग लिखते हैं उसे 5 to 7 days तक लेना रहता है, और इसके बाद आपको इसमें मेनली शुरू के 15 to 20 days ये ख्याल रखना पड़ता है कि इसमें टॉवल से नहीं घिसना रहता है और बहुत धूल मिट्टी से उसको बचाना रहता है, तो हल्का सा कैप पहन के रखना रहता है। बाकी स्पेशल कोई आफ्टर केयर का ज़रूरत नहीं रहता है, और जो ग्रोथ रहती है वो प्रॉपरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट में आ जाती है। 5 to 10% हेयर का नुकसान हो सकता है, लेकिन 90% जो ग्राफ लगाते हैं वो सक्सेसफुली ग्रोथ हो जाती है उसमें। तो आप ये देख सकते हैं 3000 ग्राफ्ट हम लोगों ने इसमें लगा चुके हैं।